माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 5 के इंग्लिश के मैरीगोल्ड बुक में से यूनिट नंबर 7 का एक चैप्टर गलिवर्स ट्रैवल, मतलब गुलीवर्स की यात्राएं। ओके, तो गुलीवर कौन था? गुलीवर एक नाविक था जिसे पानी में जहाज़ों में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं उसके बारे में, चलो देखते हैं। व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। मतलब ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो अपने ज़िंदगी की कहानी अपने ही शब्दों में लिखता है या बताता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो गुलीवर जो है वो एक सेलर था। गुलीवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स। मतलब गुलीवर नाम का जो नाविक था, सेलर था, वो एक बार जायंट्स की ज़मीन में, जायंट्स की जगह पर फंस गया था। कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स। और इस कहानी में हमें वो यही बताता है कि उसे जो अनुभव मिले तो उनके बारे में वो हमें यहाँ पर बताता है। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन द 16th ऑफ जून 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। मतलब 16 जून के दिन, 1730 साल है, और उस दिन उन्हें ज़मीन दिखाई दी। अ कैप्टन सेंट अ डजन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर। तो उनके जहाज़ के जो कप्तान थे उन्होंने क्या किया, कुछ दर्जन लोगों को पानी ढूंढने के लिए ज़मीन पर भेज दिया। इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर वहाँ पर पानी है तो वो पानी लेकर आए, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को भेज दिया। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम ज़मीन पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर ना तो नदी है, ना ही झरना है, ना ही कोई वहाँ पर रहने वाले लोग थे। I went on to explore, और मैं और ज़्यादा खोजने के लिए आगे बढ़ा। The country was barren and rocky. वो ज़मीन बेरन थी। बेरन का मतलब होता है बंजर, और रॉकी मतलब जहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्र्यू। कुछ आगे जाने के बाद मैं पीछे मुड़कर देखा ताकि मैं मेरे लोगों के साथ में, जिनके साथ वो उस ज़मीन पर गया था, उनके साथ मिल जाए। इसके लिए उसने पीछे मुड़कर देखा, गुलीवर ने, तो क्या दिखाई दिया? ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। और जब मैंने मुड़कर देखा तो जो बाकी के नाविक थे, क्र्यू मतलब होता है नाविक दल, तो बाकी के लोग सारे बोट में बैठकर भाग रहे थे ताकि वो अपनी शिप के पास पहुंच जाए। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम। जब तक कि मैं उनके पास पहुंच पाता तभी मैंने देखा, क्या दिखाई दिया गुलीवर को? एक बड़ा सा क्रीचर। क्रीचर का मतलब होता है जीव, और वो कैसा है? बहुत बड़ा है। वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, और वो उनके ही पीछे जा रहा था। उसके जो साथी थे गुलीवर के, उनके पीछे भाग रहा था वो। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, और जो समंदर का पानी था वो सिर्फ उसके घुटनों तक ही था। हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। लेकिन वो उनका पीछा तो कर रहा था लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि जो बोट की जो गति है वो बहुत ज़्यादा थी। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टिप हिल। गुलीवर ने क्या किया, वो पीछे मुड़ा और वो एक पहाड़ के ऊपर, स्टीप का मतलब होता है खड़ी खड़ा या सीधा पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश की। विद द फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 feet। जहाँ पर वो खड़ा था उसके दोनों बाजू में क्या था, बार्ली का फार्म था, फील्ड थी। फील्ड मतलब खेत, और किसकी थी? बार्ली की। बार्ली मतलब जौ का खेत था, और वहीं पर क्या ग्रो हो रहा था, कॉर्न भी ग्रो हो रहा था, मतलब मकई मक्का भी ग्रो हो रहा था, और करीब वो 40 feet ऊंचा था। देखो कितना ऊंचा था। देर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। और वहाँ पर फेंस, फेंस मतलब जैसे घेरा लगाते हम
ताकि जानवर अंदर ना आए खेत में। तो वैसा ही घेरा या बाड़ जिसे हम कह सकते हैं वो लगाया हुआ था, दोनों साइड में था, एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए। जिसे हम कंपाउंड करते हैं ना उसे फेंस कहते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, और वो मुझे ऊपर चढ़ने के लिए नामुमकिन से था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक जो स्टेप था वो 6 फीट ऊंचा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज, और गुलीवर क्या कर रहा था कि बीच में कहीं कोना दिखाई देता है ताकि वो उससे ऊपर चढ़ सके, ऐसा वो ढूंढ रहा था। व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहैबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, और तभी वो जगह ढूंढ रहा था ऊपर चढ़ने के लिए, तभी उसे दिखाई दिया कि वहाँ का एक जो निवासी है, जो इनहैबिटेंट कहते हैं निवासी को, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें इनहैबिटेंट कहते हैं, जो उसके अगले ही खेत में वो काम कर रहा था, और वो उसके पास, उसके करीब आ रहा था, गलीवर के पास। ही वॉज द सेम साइज एज द क्रीचर चेजिंग द बोट, और वो उतना ही बड़ा था जितना कि वो बोट के पीछे जो दौड़ रहा था थोड़ी देर पहले, उसके जितना ही ये भी क्रिएचर बड़ा था। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर एंड अस्टॉनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। गलीवर को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और आश्चर्य भी हुआ। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य होना या विस्मय होना, और वो खुद को छिपाने के लिए दौड़ पड़ा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर दैन अ ट्रम्पेट, और जो आदमी उसके पास आ रहा था वो बात कर रहा था, बहुत ज़ोर से उसकी आवाज़ आ रही थी, जैसे ट्रम्पेट बजता है ना वैसे आवाज़ आ रही थी, तुराही के जैसे। इट साउंडेड लाइक थंडर, थंडर मतलब जैसे बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है, वैसा ही उसका आवाज़ आ रहा था। सेवन मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड, और उसके जैसे ही दिखने वाले और 7 राक्षस वहाँ पर आ गए, रेडी टू रिप द कॉर्न, और वो सारे किसान ही थे। रिप द कॉर्न मतलब वो कॉर्न की यानी कि मकई की कटाई करने के लिए शायद आए थे वहाँ पर। दे कैरीड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, और कॉर्न की कटाई करने के लिए जो उनके पास सामान था, जिसमें जैसे कि रिपिंग हुक आप देख सकते हो उसके हाथ में है वो रिपिंग हुक, वो बहुत बड़ा है। वेन वन ऑफ द रिपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड, और जब उनमें से एक रिपर, रिपर मतलब क्या है, वो सारे किसान थे, और एक किसान जैसे ही गुलीवर के पास पहुंचा तो वो क्या करने लगा, आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज कुड, गुलीवर जोर से चिल्लाने लगा और खुद को छिपाने लगा। द क्रीचर स्टॉप्ड रिपिंग, उस क्रीचर ने मतलब जो बड़ा सा जीव था उसने क्या किया, अपना जो रिपिंग करने का काम था वो रोक दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर एंड बॉट मी क्लोज टू हिज आइज, उस किसान ने अपना काम रोक कर गुलीवर को अपने हाथों में उठा लिया, अपने एक अंगूठे में और दूसरे फोर फिंगर में, मतलब जो अंगूठे के करीब की उंगली होती है उसे फोर फिंगर कहते हैं, एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, और उसने अपने हाथ में पकड़ कर मुझे अपनी आँखों के पास लेकर गया। वो 60 फीट अबव द ग्राउंड, और वो कितनी ऊंचाई पर था गुलीवर उस वक्त, 60 फीट ऊंचाई पर था। ही लुक्ड एट मी विद द क्यूरियोसिटी, और बच्चों क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि वो जानना चाहता है इस तरीके से कि ये क्या है, कौन है, इसलिए वो देखने लगा। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, और उसने ऐसे फूंक मारकर मेरे जो चेहरे पर बाल आए थे उनको बाजू में कर दिया ताकि वो मेरे चेहरे को अच्छे से देख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और उस रीपर ने मतलब उस किसान ने अपने दोस्तों को भी बुलाया और मुझे आराम से हल्के से ज़मीन पर रख दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, और वो सारे लोग ज़मीन पर बैठ गए ताकि वो मुझे अच्छे से देख सके। आई वॉक्ड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, गलीवर को ज़मीन पर रख दिया और वो जो 7 लोग आए थे वो उसके इर्द गिर्द बैठ गए, और गलीवर क्या करने लगा, आगे पीछे ऐसे घूमने लगा उनके बीच में ही। पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स, गलीवर ने अपने सिर पे जो हैट पहनी थी वो निकाली और वो उनको सलाम करने लगा झुककर। आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, गुलीवर ने उसको जितनी भी भाषाएं आती थी उतनी भाषाओं में उनसे बात करने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर
वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। हर बार जब गुलीवर बात करना चाहता था या कुछ बोलता तो जो फार्मर जिसने गुलीवर को पहली बार देखा था वो अपना कान गुलीवर के पास लेकर आता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट इन वेन का मतलब होता है फ़ायदा ना होना या वेस्ट होना या ज़ाया होना। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल। और वह किसान जिसने पहली बार गुलीवर को देखा था वह उसे यानी कि गुलीवर को अपने घर ले गया और एक डाइनिंग टेबल के ऊपर उसे रख दिया जो कि 30 फीट ऊंचा था ज़मीन से। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। और उसे खाना डिनर लाया गया उस किसान के लिए और वो ऐसी थाली में लाया गया था जो कि 10 फीट चौड़ी थी। इतनी बड़ी थाली में उसे खाना लाया गया। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। किसान की जो बीवी थी उसने ब्रेड के कुछ टुकड़े, क्रम्बल करना मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ये कर देना, क्रश कर देना, और वो टुकड़े करके उसने गुलीवर के सामने डाल दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड नॉइज बिहाइंड मी। और जब इनका डिनर चल रहा था तभी गुलीवर को पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज द पर्रिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर दैन एन ऑक्स। और ये जो आवाज़ थी वो एक बिल्ली की थी, उसके पेट से आवाज़ आ रही थी। और वो कैट कितनी बड़ी थी देखो, 10 गुना बड़ी थी, अगर एक बैल से 10 गुना वो बड़ी कैट थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। और जो किसान की बीवी थी उस कैट को स्ट्रोक कर रही थी, सहला रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। और तभी वहाँ पर किसान का 1 साल का बेटा आया जिसे एक औरत ने पकड़ रखा था अपने हाथों में। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ। जैसे ही किसान के बच्चे ने मुझे देखा तो उसने मुझे टेबल के ऊपर से ग्रैब कर लिया, मतलब पकड़ लिया, उठा लिया अपने हाथों में और मेरा सिर अपने मुंह में, माउथ में डाल दिया। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। और मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया कि वो जो बेबी था, वो जो छोटा सा बच्चा था, उसने मुझे नीचे गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। अगर उसने छोड़ दिया था, अगर मैं नीचे गिर जाता तो मेरा गला जो है, गर्दन जो है वो टूट जाती। लेकिन तभी क्या हुआ, उस बेबी की जो मदर थी, उस बच्चे की जो माँ थी, उसने अपना एप्रन मेरे नीचे पकड़ लिया और मैं उस एप्रन में गिर पड़ा। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। उसके बाद किसान की बीवी ने गुलीवर को अपने उसके खुद के बेड पर सुला दिया, सोने के लिए जगह दी और उसके ऊपर से सफ़ेद रंग का जो साफ सुथरा रुमाल था उससे ढक दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और गुलीवर वहीं पर सो गया और वो सपने देखने लगा। कि उनसे सपने देखने लगा, अपने घर का सपना देखने लगा वो, उसकी बीवी और उनके बच्चों का। तो ये हो गया अपना चैप्टर का कंप्लीशन, एक्सप्लेनेशन एंड रीडिंग। बच्चों ये जो कहानी है ये ली गई है जोनाथन स्विफ्ट के गुलीवर्स ट्रैवल नाम की बुक से। फाइन, सो नाउ लेट्स सी द मीनिंग्स ऑफ द न्यू वर्ड्स। बिलोइंग, वेरी लाउड नॉइज या बहुत बड़ा शोर। बिलोइंग का मतलब होता है वेरी लाउड नॉइज, मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आना। इनहैबिटेंट्स मतलब ऑक्यूपेंट्स, मतलब वहाँ पर रहने वाले लोग या निवासी। बैरन बंजर, जहाँ पर कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं होते उसे बैरन कहते हैं। एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्य होना या विस्मय होना। क्रम्बल्ड का मतलब होता है ब्रोकन इनटू पीसेस, जिसके छोटे छोटे टुकड़े करना उसे क्रम्बल कहते हैं। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, दैट इज पिक सडनली, अचानक से पकड़ लेना। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मेन टू द लैंड। जो कप्तान था उसने लोगों को ज़मीन पर क्यों भेजा। टू फेच द वाटर, पानी लाने के लिए। व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। और वो लोग शिप की तरफ इतना तेज़ी से क्यों दौड़ रहे थे। बिकॉज दे सॉ अ जायंट, क्योंकि उन्हें एक बड़ा सा आदमी दिखाई दिया था। चूज द करेक्ट आंसर।
द जायंट कैरिड अ रिपिंग हुक बिकॉज, जायंट्स के पास रिपिंग हुक क्यों था? बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग टू रिप द कॉर्न, क्योंकि वो कॉर्न को रिप कर रहा था. दे पुट गलीवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन. ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड का आंसर है सी. ओके, थर्ड देखते हैं अभी. गलीवर वॉज, गलीवर कौन था? गलीवर वॉज अ सेलर. ऑप्शन नंबर बी. नेम द क्रीचर टू हुम यू वुड लुक लाइक गलीवर. द क्रीचर इज नाउ एक्सटिंक्ट. अब ऐसे किसी क्रीचर का, ऐसे जीव का नाम बताना है आपको जो आपको बहुत बड़ा, मतलब आप उसे गलीवर के जैसे दिखाई देंगे, लेकिन अब वो क्रीचर क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब वो नामशेष, वो अब नहीं रहता है. द वर्ड बिगिंस विद द लेटर डी. डी से शुरू होने वाला कौन सा वर्ड है ऐसा जो कि बहुत बड़ा एनिमल है? यस, दैट इज डायनासोर. ओके, डायनासोर सब क्या हो गए हैं? वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स. ओके, थैंक यू.